मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चे आ गए सबसे पहले, और तैयार होकर और बच्चे आ गए और हमारे मौलवी साहब तैयार हो रहे हैं। और जो यहाँ पर नमाज जो है ईद की, वो है 8:15 पे। तो अभी टाइम हो गया है 7:25। अभी वे तकरीबन 1.25 पड़ा हुआ है। सलामुअलैकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अच्छा, ईद नमाज, ईद तो बाद में मिलेंगे क्योंकि अभी नमाज नहीं हुई। इंशाल्लाह। क्योंकि जब ईद मिली जाती है तो जब ईद नमाज होती है उसके बाद ईद बोला जाता है, भाई ईद मुबारक हो। तो अभी ईद की नमाज नहीं हुई अभी तक। तो जब मैं रोजे में असानी कमी कोताही थी वयूं, तरावीह में कमी कोताही थी वयूं, कुरान की तिलावत में जबा जहर गम को गलती कोताही थी वई, कुरान की तिलावत से सही माने में कौन करे सकया सी पियो फितर अदा करे, उनन की कमी पोशी को माने पूरी करनी है। आ ईद का मकसद यो है तो जेके जेत्रो जे दिल में गम हो जे वो पहले आप सबको मेरी तरफ से और हम गांव वाले की तरफ से ईद मुबारक हो, जितने भी देखने वाले हैं और जब आप मेरा वीडियो देखें और जहां तक जा रही है सबको ईद मुबारक। और ईद की नमाज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और यही अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक जो भी जहां भी है अल्लाह पाक सबको खुश रखे और खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और सबकी ईद इस तरह से हो, खुशी से हो, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये दिन बड़ा ही अच्छा रखा है।
جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے لیے عید کا دن ایک تحفہ ہے، تو اللہ پاک آپ کی عید اور بھی بہتر اور اچھی کرے۔ مجھے طرف تھا سب ان کے عید مبارک۔